नमस्ते दोस्तों, मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने किचन में कचौड़ी बनाने जा रहे हैं सत्तू का। तो देखिए, यहाँ हमने मैदा एक कटोरी ले लिए हैं। इसमें हम मंगरेल जवाइन को क्रॉस करके डालेंगे और इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे। इसमें हम रिफाइंड तेल डालेंगे, मूंग इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी। इस सब को हम अच्छे से पहले मिला लेंगे। जब आटे को समझिए मुट्ठी बंधा जाएगा तो बहुत ही खस्ता, बहुत ही अच्छा कचौड़ी बनता है। तो यहाँ हम इसी तरह से देखिए, इस तरह से बंधा गया है, कितना अच्छा। तो अब इसमें हम ज़रूरत जितना पड़ेगा उतना पानी ले लेकर हम इसे सान लेंगे, गूँथेंगे। तो देखिए, हम थोड़ा थोड़ा पानी ले करके इसे गूँथ लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसे मिला करके ढक के 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। कॉटन कपड़ा से हम इसे ढक लेंगे। तो देखिए, इधर हम ढक लिए हैं। अब इसे हम थोड़ा 10 मिनट के लिए हटा देते हैं। तो यहाँ हमने लहसुन और हरी दो मिर्च ले लिए हैं सत्तू में डालने के लिए। इसे हम घिस के डालेंगे। तो यहाँ हमने दो बड़ा बड़ा चम्मच सत्तू लिए हैं। इसमें हम जवाइन क्रश करके डालेंगे, मंगरेल क्रश करके डालेंगे, नमक डाले हैं और इसमें थोड़ा हम जीरा डालेंगे क्योंकि इससे बहुत टेस्ट अच्छा हो जाता है। इसमें हम लेमन का जूस डालेंगे। इसका बीज हमने हटा लिए थे, उसे बीज को हटा करके लेमन के जूस डाले हैं। इसमें हम सरसों तेल डालेंगे। इसमें हम थोड़ा आम का जो मसाला होता है अचार का, उसके डालेंगे। इसमें हम गोल मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे जो लिए थे उसे हम कूट के डाल देंगे इसमें। और गोल मिर्च भी हम 8 से 10 ठो ले लिए हैं, इसको भी हम कूट के इस सब में डालेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसे मिला लेंगे। तो देखिए, इस कितना अच्छा से बना है। थोड़ा इसको हल्का गीला ही रखना है क्योंकि थोड़ा इथी रहेगा तो कचौड़ी फट जाता है। तो इससे इधर चलिए, अब इधर हम आटा को गूँथ लेंगे और फिर से मिला लेंगे अच्छे से कि आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, यहाँ हमने आटा को गूँथ लिए हैं। अब गूँथने के लिए इसे हम थोड़ा सा और इस तरह से मिला लेंगे क्योंकि मिला मुलायम हो जाएगा। तो हम इसका रोल बना करके इसे हम चाकू से छोटा छोटा लोई काट लेंगे। तो इस तरह से हम इसका लोई बना लेंगे छोटा छोटा करके। उसके बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए, लोई बना लिए हैं। तब इसको हम इससे हम कटोरी के टाइप करके इसमें हम थोड़ा सा सत्तू भरेंगे। ये कचौड़ी बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग भी अपने घर पे बना करके ज़रूर खाइएगा। तो देखिए, इस तरह से करेंगे। इसमें थोड़ा सा हमने सत्तू जो बनाए थे मसाला उसको करेंगे और इसे उंगली से दबा दबा कर हम इसे अच्छे से गोल बना करके इसे हम चिपका लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने चिपका लेंगे इसको और इसे हम बेलना से नहीं बेलेंगे। तो इसे चिपका लिए हैं, अब इसे हम हथेली से ही जांच लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें इसे कर लेना है। तो अब हम सारे को कर लिए हैं, अब इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों सब्जी के साथ। तो हमने आलू और टमाटर के सब्जी बनाए हैं, उसके साथ खाएंगे। तो देखिए, यहाँ हमारा पूड़ी एकदम कचौड़ी बन फूल गया है इस तरह से, एकदम बीच में थोड़ा सा फट भी गया है। तो अभी सबको हम निकालेंगे एक प्लेट में। तो देखिए, कितना अच्छा से एकदम बन करके एकदम तैयार हो गया है। तो इधर हमने प्लेट में इसे निकाल लिए हैं। अभी को हम जैसे मार्केट में देता है कचौड़ी और सब्जी, हम उसी तरह से इसे बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ कचौड़ी एकदम बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इस तरह देखिए, कितना अच्छा बना है, कितना टेस्टी बना है। तो इस सब पर हम अब सब्जी को डालेंगे और ऊपर से हम कटा हुआ प्याज थोड़ा डाल देंगे, इसका टेस्ट और प्याज से अच्छा बन जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हम बना लिए हैं। आप लोग शनिवार के दिन बना करके खाइए, शनिवार के दिन सत्तू खाया जाता है। तो देखिए, यहाँ हमने सब्जी को डाल दिए हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बना था। तो चलिए, अब हमारा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।